मधुबाबू पेंशन योजना रे हिताधिकारी आसरा पड़ा खुशी खबर। सर्वनिम्न सहायता राशि 1000 टंका को वृद्धि। कौन रही संपूर्ण खबर मधुबाबू पेंशन योजना को लेकिन जानापी निहासी वीडियो को पूरा देखो। वीडियो स्टार्ट करवा आगर गोटे छोटिया रिक्वेस्ट, निश्चय वीडियो रे लाइक करेंगे, चैनल को प्रथम थर आसे चैनल को सब्सक्राइब करके पाखे आसवा बेल आइकन प्रेस करके ऑल रे सेट करने को समय भूल ना। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक योजन मासिक पेंशन राशि 500 टंका वृद्धि घोषणा करणिकी। मधुबाबू पेंशन योजन हिताधिकारी माने सर्वनिम्न पेंशन राशि 1000 टंका पाइबे। वर्धित पेंशन हिताधिकारी माने चलित फेब्रुवारी मासरु पाइबे। पूर्वर यही योजन हिताधिकारी माने यथाक्रमे 500 टंका 700 और 900 टंका पाउथिले। वर्धित पेंशन अनुजाई से माने एबे यथाक्रमे 1000 टंका 1200 टंका और 1400 टंका पाइबे। यही वर्धित पेंशन पर राज्य सरकार वार्षिक 3783 कोटी टंका खर्च करिबे। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जातीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हिताधिकारी मासिक पेंशन रे 500 टंका वृद्धि घोषणा करिछंती। मधुबाबू पेंशन योजना रे हिताधिकारी मानंगो फेब्रुवारी मासर पेंशन फेब्रुवारी 20 रु 25 तारीख मध्य प्रत्यक्ष भावे मिलिबो। 5G तथा नवीन ओडिशा अध्यक्ष कार्तिक पांड्यान जिला गस्त समय विभिन्न अंचल लोके माने ही पेंशन राशि वृद्धि करने को अनुरोध करते। लोकों अनुरोध को ग्रहण कर मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनार यही पेंशन टंका परिमाण को वृद्धि करिछंती। निकटरे मुख्यमंत्री मधुबाबू पेंशन योजन हिताधिकारी संख्या वृद्धि करते। सूचना योग्य जे राज्य सरकार विभिन्न वर्गर लोकों पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन व्यवस्था करिछंती। वरिष्ठ नागरिक, विधवा, दिव्यांग, अविवाहित महिला, सुस्थ होइसपा कुष्ठ रोगी, ओडिशा राज्य एड्स सेल द्वारा चिन्हटकृत एड्स रोगी, छाड़पत्र पाइसपा महिला, किन्नर, कोविड द्वारा होइसपा अनाथ पिला और विधवा सहित अन्यान्य दुर्बल श्रेणीर व्यक्ति को सामिल करा जाइछि। एथिसहित जातीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम हिताधिकारी मानंको मध्य राज्य सरकार अतिरिक्त सहायता देउछन्ती। तो वर्तमान समस्ते वर्धित भत्ता पाइबे। ये थिला मधुबाबू पेंशन योजना को लेकिन संपूर्ण खबर। सर्वनिम्न सहायता राशि 1000 टंका को वृद्धि। निश्चय वीडियो रे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आपण दिन मंगलमय हो। जय श्रीराम।